अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज़ाद मुश्ताक टीवी यूट्यूब चैनल में कहते हैं आपको खुश आमदीद। जी हाँ दोस्तों, आज फिर सिंध इस वक्त बरस रहा है। सिंध के मुख्तलिफ इलाके इस वक्त तूफानी बारिशों की लपेट में है। और दोस्तों मज़ीद अपडेट आपको बता दें, उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश करेंगे, आपने अभी तक आज़ाद मुश्ताक टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त अछड़ो थर से लेकर हैदराबाद तक बारिशों का सिलसिला फैला हुआ है, जिसमें डिगरी, सांगढ़, नवाबशाह, नौशर फिरोज़, टंडो, मोहम्मद खान, इनके आसपास जो भी इलाके हैं इस वक्त तूफान बारिशों की लपेट में है। दोस्तों बारिशों के साथ तूफान और गरज चमक बहुत ही ज़्यादा है। तो इस वक्त अगर थरपारकर की बात करें, थर के जो इलाके हैं वो इस वक्त बादलों की लपेट में है। अनकरीब थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिस्टम शुरू होने वाला है। तो अब ये बारिशें आज जो है अपना रुख तब्दील कर चुकी है। आज जो अपना रुख है वो जो है सीधा जो है शुमाल से जनूब की तरफ जाएंगे, और इस वक्त बारिशें अछड़ो थर से हैदराबाद तक फैल चुकी है। अब ये बारिशों का जो रुख है वो सीधा कराची की तरफ लग रहा है। दूसरी तरफ थर और बॉर्डर के इलाकों में भी ये बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, और यहाँ शिमाल की तेज़ हवाओं का सिलसिला भी जारी है। दोस्तों आज डेट है 15 जुलाई 2022। ये जो सिस्टम है ताकतवर तरीन सिस्टम, ये 14 जुलाई 2022 को सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इंटर हुआ है। तो आज भी जो है जिसके बदौलत सिंध के कुछ इलाके बरस रहे हैं। इस वक्त थरपारकर से लेकर जो अछड़ो थर से आगे सांगढ़, नवाबशाह, नौशर फिरोज़, डिगरी, मातली, टंडो, मोहम्मद खान, इनके आसपास जो इलाके हैदराबाद तक फैल चुका है। हैदराबाद और नूरियाबाद, कराची की तरफ ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है। तो इस वक्त अगर थरपारकर में देखा जाए तो थरपारकर में बादल बनना शुरू हो चुके हैं। थर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों का जो है निज़ाम शुरू होने वाला है। तो जैसे ही सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें शुरू होंगी तो आपको पल पल के अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, हमारा चैनल देखते रहें। अल्लाह।